दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे ECS T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा रॉयल फाल्कॉन्स वर्सेस ब्लाइंडर्स के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले हैं, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पर क्लीन स्वीप ही करा है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है। भाई ये फ्री एंट्री आपको भी मिल सकती है, कैसे मिलेगी, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैब 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फैब 11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको माई फैब 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लॉस में चल रहे हो तो फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले आपको माई फैब 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और माय फैब 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में, तो देखिए ये बैलेंस पिच होने वाला है, मतलब बैट्समैन और बॉलर दोनों को यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। एवरेज स्कोर के बारे में बात करें, 100 रन से यहाँ पे आप एवरेज स्कोर देख सकते हैं। बाकी अगर दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखें और कुछ रिसेंट इनकी परफॉर्मेंस देखें प्लेयर की, तो सबसे पहले रॉयल फाल्कॉन्स की तरफ से बात करें, जमील अहमद आपको ओपन करते हुए नजर आने वाले। रिसेंट के बारे में बात करें, लास्ट ओवर में 31 रन करे, फिर 47 रन करे, फिर 0 रन करे और 4 रन करे। हार्ड हिटर ओपनर है, ये आपके लिए एक मस्ट पिक हो जाते। फैज खान के बारे में बात करें, रीसेंट में अगर बात करें 18 रन करे, 17 करे, 11 रन करे, 10 रन करे, एवरेज परफॉर्मेंस आए अगर देखोगे तो। बाकी यहां से प्रीतेश कुमार नंबर 3 पे नजर आएंगे, बट परफॉर्मेंस इनका इतना अच्छा नहीं रहा। आप देख सकते हो रीसेंट में 6 रन करे, 15 रन करे, 2 बार तो 0 पे आउट हो गए। अंजुम आपको नंबर 4 खेलते हुए नजर आने वाले, इतना अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप आरिफ को ट्राई कर सकते हो। दोस्तों बैटिंग ऑर्डर इनका नंबर 5 नजर आ सकता है, रीसेंट में 34 रन करे, विकेट कोई इनको मिला नहीं, फिर 33 रन इन्होंने करे थे, 3 रन करे थे और 1 विकेट निकाला, फिर 9 रन करे, उससे पहले 15 रन करे, कोई विकेट नहीं मिला। तो बैटिंग बॉलिंग करवाएंगे, ये एक मस्ट पिक हो सकते। बाकी यहाँ से हफीज़ का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों रीसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, यहाँ से अशोक हो जाएंगे, अनिकेत हो जाएंगे, पंकज कुमार एक अच्छे ऑप्शन होने वाले। लास्ट 4 मैचेस में देखोगे तो 4 विकेट निकाले। बाकी यहाँ से रॉबिन मॉबिन के बारे में बात करें, लास्ट ओवर में कोई विकेट नहीं निकाले, उससे पहले 1 विकेट निकाले और उससे पहले 3 मैचेस में तो बॉलिंग ही नहीं करवाए, तो काफ़ी रिस्की प्लेयर हो जाते। बाकी अंसारी को आप ट्राई कर सकते हो, रीसेंट के 2 मैचेस में अभी तक 4 विकेट निकालते हुए आ रहे हैं। दोस्तों अगर हम ब्लाइंडर्स की तरफ से बात करें तो घनी आपको नजर आने वाले ओपन करते हुए। रीसेंट के बारे में बात करोगे, 8 रन करे, कोई विकेट इनको मिला नहीं, उससे पहले 22 रन इन्होंने करे, फिर 36 रन इन्होंने करे, 15 रन करे, कोई विकेट नहीं मिला, 37 रन करे, 1 विकेट निकाले। बैटिंग बॉलिंग ये करवाते हुए नजर आने वाले, कभी कभी बॉलिंग थोड़ी सी मिस हो जाती है, नहीं करवाते। इनके साथ स्टेफन ओपन करेंगे, भाई रीसेंट की फॉर्म गजब की चल रही है, 25 रन करे, 68 रन करे, 79 करे, 61 करे, 83 रन करे। वैलिगा में नंबर 3 पे खेलते हुए नजर आएंगे, गजब की इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, 72 लास्ट रन में करे, उससे पहले 65 करे, फिर 12 रन करे और 77 करे। अमजद अजीज आपको नंबर 4 पे खेलते हुए नजर आएंगे, रीसेंट के 2 मैचेस में आप देख सकते हो 7 रन करे, फिर 43, पहले बैटिंग करती है इनकी टीम तो आप बिल्कुल रख सकते हो। बाकी ऑजे ट्रक का ऑप्शन होने वाला है, लास्ट रन में बैटिंग और बॉलिंग कुछ नहीं करे, उससे पहले परफॉर्मेंस इनकी अच्छी रही है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ से यालमाज आपके पास ऑप्शन है, एक अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, अभी तक लास्ट 5 मैचेस में तकरीबन यहां से इन्होंने 8 विकेट निकाले। बाकी अहमद का ऑप्शन होने वाला है, मोहनदास ओपन में बॉलिंग करवाएंगे इसलिए आप रख सकते हो, लास्ट 5 मैचेस में अभी तक 5 विकेट निकाले। वहीद आपके पास एक अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं और एम नायक, यहां से थोड़ी सी मिस्टेक नजर आ रही होगी, बाकी एम नायक रिसेंट में कंटिन्यू विकेट निकालते हुए नजर आ रहे, आप इनको जरूर अपनी टीम में लेके चलिए। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, दोस्तों घनी का एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है क्योंकि ओपन करेंगे प्लस 2 ओवर बॉल
आपको करवा के देंगे दो ओवर बॉलिंग। वहीं वेलिगा में नंबर तीन पे बैटिंग करेंगे और कंटिन्यू रन कर रहे तो सेफ ऑप्शन हो जाते। बाकी स्टेफन गुस को आप कर सकते हो, एक हार्ड हिटर ओपनर है दोस्तों। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। दोस्तों अगर फिलहाल हमारी टीम के बारे में बात करें तो फिलहाल ये हमारी टीम का एक प्रीव्यू है, आप देख सकते हो। विकेट कीपर में मैं यहाँ से स्टेफन के साथ जा रहा हूँ और यहाँ से खान को लेके जा रहा हूँ, खान ओपन करते हुए नजर आएंगे। बाकी बैटिंग में यहाँ से मैंने अहमद को रखा है, अहमद एक अच्छे प्लेयर है जो आपको रन करके दे सकते। बाकी वेलिगा में जो कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ से ऑजे ट्रक बैटिंग बॉलिंग करेंगे तो एक अच्छे ऑप्शन हो जाते। घनी ओपन करेंगे बैटिंग बॉलिंग करेंगे, नायक कंटिन्यू विकेट निकाल के दे रहे और वहीद भी स्टार्टिंग में बॉलिंग डालते तो विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं। बाकी बॉलिंग में अगर हम बात करेंगे तो अंसारी और यहाँ से पी कुमार एक अच्छे बॉलर हो जाते हैं, जो आपको दोनों में से एक का तो देखो कंफर्म है जो विकेट निकाल के देगा। फिलहाल मैं दोनों के साथ जा रहा हूँ। मोहनदास ओपन में बॉलिंग डालेंगे, प्रेशर बनाते हैं तो विकेट आपको आसानी से निकाल के दे सकते हैं दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। वहीं दोस्तों फाइनल टीम आपको इस मैच की हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको MyFAV11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लॉस में चल रहे हो, फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो। ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले आपको MyFAV11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और MyFAV11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और मैच टाइम एक्टिव रहिएगा।